तो दोस्तों अब मैं आपको एक बंदा का यूआईडी दिखा रहा हूँ। इसका नाम है योसेफ भाई। अब इस योसेफ भाई का यहाँ पे यूआईडी देखो, लेकिन उसका स्टेट देखो पहले। हीरोइक नहीं हुआ है अभी तक गाइस, ठीक है। यहाँ पे बीआर में, लेकिन सीएस में हीरोइक हुआ है, लेकिन यहाँ पे जीरो स्टार है। अब देखो जीरो स्टार तो है यहाँ पे इस बंदा का। मैं आपको ना गाइस गेम प्ले तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसका क्लैश स्क्वाड का रैंक का ये सीजन का देख लो। 87 गेम खेला है, 87। इतना गेम तो आप भी नहीं खेलो मुझे पता है। एंड इसमें ओनली बुया 38 बुया है। सोचो गाइस अभी तक इसने एक स्टार भी नहीं किया। इसने हीरोइक तो पहुंच गया, वन स्टार करने के बाद वापस से माइनस हो गया, लेकिन इसका बुरा स्किल कॉम्बिनेशन के कारण। अब इनके जैसे बहुत ऐसे प्लेयर है जो स्किल कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं बना पाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए 5 कॉम्बिनेशन बनाए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हम नंबर 5 से, सीएस रैंकेड स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं सीएस रैंकेड सबसे बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन जो सबसे ज्यादा अभी मोस्ट यूज्ड हो रहा है, तो वो है एक्टिव में होमर का स्किल। यस माय फ्रेंड, होमर का स्किल आफ्टर अपडेट ये स्किल को चेंजेस की गई है। इसमें पहले 4 मीटर डायमीटर था, अब 5 मीटर हो चुका है आफ्टर अपडेट। प्लस ये कूलडाउन टाइम भी बहुत कम किया है, पहले 90 सेकंड के आसपास था, अब बस 60 सेकंड मिलता है हम लोग का कूलडाउन, जो कि हम लोग बार बार इसको यूज कर सकते हैं हर एक राउंड में। तो यार इसलिए मैं बोलूंगा आप होमर कैरेक्टर यूज करो अपना एक्टिव में, ओके। उसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक ऐसा स्किल जिससे गाइस एनिमी का आपका लोकेशन पता चले, कहां वो बंदा भाग रहा है। तो मैं क्या यूज करूंगा यहां पे, मोको कैरेक्टर नंबर 1 पेसी में। तो दोस्तों आपको भी नंबर 1 पेसी में मोको लेके खेलना है जब आप लोग होमर कैरेक्टर यूज करते हो, ओके। उसके साथ ही आप लोग क्या करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक्टिव में मतलब अपना एक्टिव में होमर चल रहा है, तो होमर के साथ हम लोग रन करना पड़ेगा, क्योंकि जब उस टाइम में बंदा को हीट करेगा ना, तो हमें जल्दी से भाग के जाना है उस बंदा को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंटिंग स्क्विड क्वीन, यहां पे केली कैरेक्टर, ठीक है। स्प्रिंटिंग स्पीड का क्वीन है गाइस ये केली कैरेक्टर, बहुत जल्दी बहुत तेज भागता है, इसलिए मैं यहां पे केली यूज कर रहा हूं। साथ ही साथ देखो अब एनिमी लोग तो गाइस आप उनका मूवमेंट स्लो कर दोगे होमर से, लेकिन एक ऐसा भी कैरेक्टर है पेसिव में जिससे एनिमी का मूवमेंट स्लो हो जाएगा नॉक होते गाइस, ठीक है। सभी एनिमी का स्लो हो जाए, जितना भी प्लेयर है गाइस सबका। तो इसलिए मैं यहां पे ओटो कैरेक्टर भी इंक्लूड करने वाला हूं। देखो गाइस ये सीएस में जो स्किल कॉम्बिनेशन है ओटो बहुत ज्यादा भयंकर है, जो जो बंदा आज यूज कर रहा है इस स्किल को उनको पता है कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हम लोग कैरी करेंगे यहां पे ओटो, केली, मोको एंड यहां पे होमर का स्किल। दोस्तों सीएस रैंक में यही स्किल कॉम्बिनेशन को मैं ट्राई करने वाला हूं, क्या एक्चुअली ये अभी वर्किंग है कि नहीं। तो चलो आ जाओ गेम स्क्रीन। तो दोस्तों हम देख रहे हैं सीएस रैंक का कॉम्बिनेशन जिसमें मेरे पास है होमर, मोको, केली एंड ओटो का स्किल। अब देखना गाइस, ओके मैं किस तरह से गेम प्ले करता हूं। यहां पे अंदर बंदा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे होमर यूज करूंगा। मेरा टीममेट जा रहा है, वो देखना गाइस होता क्या है, वो तो पहले नॉक होने वाला है लग रहा है मुझे ऐसा ही। तो देखो गाइस वो नॉक ही हो गया, अब मुझे लगता है गाइस मुझे जाना पड़ेगा यहां पे होमर यूज करके। तो मैंने यहां पे क्या करूंगा, होमर यूज करूंगा, ओके। तो गाइस देखो ये प्लेयर सब देखो गाइस यहां पे नॉक हुआ, तो मैंने होमर ऑन कर दिया। इसके साथ ही अब जैसे इसको लगेगा यहां पे मोको एक्टिवेट हो गया, अब इस प्लेयर को मैंने नॉक किया तो यहां पे ऑटो एक्टिवेट हो गया। सारे के सारे प्लेयर जितना भी है गाइस आसपास सबका मूवमेंट स्लो हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटो का स्किल। मेरे पास यहां पे केली भी है फॉर स्प्रिंटिंग स्पीड, मूवमेंट स्पीड वगैरह। अब देखो गाइस यहां पे बच चुका है ओनली 2 प्लेयर। अब मुझे कैसे भी करके इस चीज को यहां पे क्लच करना था, क्योंकि गाइस ये सीएस रैंक का गेम प्ले और यहां पे अब मैं हार नहीं सकता, ना ही डिफीट हो सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे वापस से अपना स्किल को चार्ज कर लिया एंड इसको थोड़ा डैमेज दिया। अब मुझे यहां पे होमर यूज करना पड़ा। होमर के साथ देखा गाइस उस प्लेयर को जैसे लगा गाइस दूसरा प्लेयर को लग चुका है जो गाइस रश कर रहा था मेरा आसपास ही। एंड इसको लगने के बाद देखो मैंने यहां पे फ्लैश फ्रीज मारा, उसके साथ ही गाइस उस प्लेयर का यहां पे मूवमेंट स्लो हो गया ऑटो से। अब इसको मैंने यहां पे डैमेज दिया तो यहां पे देखो गाइस उसका सोनिया एक्टिवेट हो गया। एंड उसके बाद क्या, मैंने यहां पे डिफीट से विन हो गया। देखो गाइस मैं सोच रहा था मैं डिफीट हो जाऊंगा, लेकिन ये स्किल कॉम्बिनेशन होमर, मोको, केली, ऑटो बेस्ट चल रही है, आप यूज करो। बढ़ते हैं नंबर 4 पे, सीएस रशर स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं सीएस में रश करने वाला सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है, तो वह है तात्सुया कैरेक्टर। दोस्तों इस तात्सुया कैरेक्टर में आप यहां पे 2 बार डैश यूज करके इतना दूर भाग जाओगे ना गाइस एनिमी आपको छू भी नहीं पाएगा। ये इतना ज्यादा अच्छा कैरेक्टर बन चुका है आफ्टर अपडेट, ओके। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तात्सुया एक्टिव में, ओके। तो यहां पे हम लोग रश का कॉम्बिनेशन बना रहे सीएस का, तो हम लोग क्या क्या स्किल चाहिए वो आप लोग देखते जाओ। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिससे कोई बंदा हमारा स्किल ब्लॉक ना कर पाए, ठीक है। तो जैसे स्किल
ब्लॉक करने वाला सामान फेंकेगा हम पे, तो गाइज हम लोग को गाइज यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही हम लोग को मोको इफेक्ट होगा, ना ही ऑटो। तो उस कैरेक्टर का नाम है जोसेफ का स्किल। दोस्तों जोसेफ काम ये करता है कि ये कुछ भी होगा, मैन मार्किंग स्किल हो गया या फिर साइलेंसर से कोई रफेली क्यों ना मार रहा हो, वो कुछ काम नहीं आने वाला जब तक आपके पास जोसेफ का स्किल है। या इसमें आपको कूलडाउन भी मिलता है, यहाँ पे कूलडाउन है 60 सेकंड का, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है 60 सेकंड कूलडाउन भी है जोसेफ में। लेकिन उसके साथ ही गाइस हम लोग रश करके खेल रहे तो हम लोग केली भी मिलता है, क्योंकि केली हम लोग को पता है गाइस स्प्रिंटिंग स्पीड देता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग केली भी इंक्लूड करने वाले तात्सुया के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एक बात नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग सीएस में रश करके खेलेंगे, एंड रश करके खेलने वाले प्लेयर्स वाला वो सब बंदा को कम से कम नॉक तो करेगा ना गाइस, अगर नॉक हुआ तो कम से कम उनका मूवमेंट स्लो हो जाए। तो इस टाइप का गाइस मैं आपको कैरेक्टर बता रहा हूं, उसका नाम है ओटो का स्किल। तो इस नंबर 4 वाले स्किल में भी गाइस आपको ओटो इंक्लूड करना है, क्योंकि आप रशर हो गाइस, ठीक है। एक रशर कभी भी ओटो अपने हाथ से नहीं छोड़ता है, इसलिए मैं ओटो दे रहा हूं, यहां पे केली दे रहा हूं, जोसेफ एंड तात्सुया। तो ये स्किल कॉम्बिनेशन फॉर रशर है। अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूं गेम प्ले में। तो चलो दोस्तों हम देख रहे हैं सीएस रशर कॉम्बिनेशन, जिसमें मेरे पास है तात्सुया, जोसेफ, केली एंड ओटो। अब मैं क्या करूंगा, तात्सुया यूज करूंगा, तो मैं पीछे से जाके सभी प्लेयर को खत्म करने का यहां पे अपना चांस बनाता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या किया, तात्सुया यूज कर दिया। दो बार तात्सुया यूज करने के बाद यहां पे इस प्लेयर को मैंने मारा, तो यहां पे जोसेफ एक्टिवेट हो गया, क्योंकि कहीं से बंदा मार रहा है, नहीं तो गाइस इस प्लेयर के पास शायद से ओटो, नहीं तो कुछ ऐसा स्किल होगा जो मुझे गाइस यहां पे एक डैमेज देने वाला था, ठीक है। लेकिन जोसेफ ने मुझे बचा लिया। उसके साथ ही गाइस यहां पे हमारे पास केली भी है फॉर स्प्रिंटिंग स्पीड। अब आप लोग देखो गाइस यहां पे प्लेयर है अपना, कौन सा प्लेयर है, होमर नहीं है गाइस, ये अपना ओरियन प्लेयर है गाइस, ठीक है। तो इस प्लेयर को यहां पे मैंने डैमेज दिया नहीं गाइस, क्योंकि गाइस मुझे पता गाइस ये प्लेयर थोड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा यहां पे जल्दी से भाग जाता हूं। तो मैंने यहां पे केली यूज किया, मतलब केली काम ही कर रहा है अपना पैसिव स्लॉट में। ओके, तो मैंने अपना मन बना लिया कि एक काम करूंगा, इस प्लेयर को भी खत्म करके रहूंगा, लेकिन यहां पे थोड़ा स्ट्रेटजी बना के। ऐसे भी मेरे पास जोसेफ का स्किल है, लेकिन जोसेफ का यहां पे ना मूवमेंट स्पीड तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि जोसेफ का स्किल रिवर्क किया गया है, एंड जोसेफ का स्किल जो अभी काम कर रहा है वो है मैन मार्किंग स्किल्स वगैरह, सब चीज को यहां पे रोक लेता है, कि नहीं गाइस यहां पे। तो स्किल को गाइस हम लोग काम कराएंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पे फ्लैश फ्रिज को मारेंगे। वैसे भी गाइस हम लोग का जोसेफ का स्किल में यहां पे ना कूलडाउन टाइम लग चुका है, तो जैसे कूलडाउन टाइम हटेगा तो गाइस हम लोग रश कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को रश करना पड़ा, क्योंकि जोसेफ का स्किल यहां पे काम हो गया, एंड तात्सुया भी आ चुका है। लास्ट में देखो गाइस इस प्लेयर को मैंने खत्म कर दिया, देखो तात्सुया, जोसेफ, केली, ओटो, मैंने रश करके बंदा खत्म कर दिया, ठीक है। तो यही स्किल कॉम्बिनेशन है फॉर रशर, अगर आपको अच्छा लगा तो ये स्किल कॉम्बो आप बना लेना। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, CS with random player skill combination। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं रैंडम के साथ क्या स्किल बेस्ट होगी, तो वो है क्लू कैरेक्टर। दोस्तों क्लू कैरेक्टर, दोस्तों ये भले आपको लग रहा है कि वीक है, नहीं भाई ये वीक नहीं, सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। जितने भी ग्रैंड मास्टर बैठते हैं ना गाइस, उनसे पूछना क्लू कैरेक्टर कितना अच्छा है गाइस। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेसिंग स्टेप्स क्लू कैरेक्टर को यूज करने वाला है, ताकि गाइस लोकेशन पता करे कहां से बंदा रस कर रहा है। इसलिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पे क्लू ले रहा हूं, रैंडम के साथ खेल रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग को बस बताता जाऊंगा गाइस यहां पे क्या क्या लेना है। क्लू के साथ आपको लेना है एक ऐसा कैरेक्टर जिससे गाइस हम लोग एक गोली भी टच करना है एनिमी पे, तो कम से कम उस पे लोकेशन हीट हो जाएगा, ठीक है। तो उस कैरेक्टर का नाम है मोको। तो हम लोग मोको भी यहां पे एडजस्ट कर रहे हैं नंबर 1 पैसिव में, क्योंकि हम लोग को रैंडम प्लेयर को कम से कम पता चले कहां से बंदा आ रहा है, कहां से बंदा हीट हुआ है। तो गाइस इसीलिए मैं यहां पे मोको दे रहा हूं। साथ ही साथ आप लोग देखो मोको के साथ आप लोग ऐसा कैटर एक इक्विप करो जिससे गाइस आप लोग एक नेड में 3 नेड निकल जाए, ठीक है। तो उस कैरेक्टर का नाम है अल्वारो, क्योंकि आपको जो पता गाइस अल्वारो कैरेक्टर काम ये है कि गाइस ये एक नेड मारोगे तो सीधा 3-4 नेड निकलता है, इसलिए प्रॉफिटेबल है गाइस बंदा को नॉक करने में, क्योंकि बंदा कहीं भी छुप जाता है, लेकिन वो नेड से बंदा छुपने वाला नहीं है अल्वारो से। तो गाइस इसलिए मैं आप अल्वारो इंक्लूड करना हूं, चिंता मत करो, मैं आपको गेम प्ले भी दिखाऊंगा ये अल्वारो क्लू वगैरह का गेम प्ले, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक नंबर 3 पैसिव भी इंक्लूड कर लो, वो है केली द स्विफ्ट। दोस्तों यहां पे केली इज इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग रैंडम के साथ खेल रहे हो कि आप लोगों को थोड़ा मूवमेंट स्पीड चाहिए। तो अब आपको मैं गेम प्ले के साथ दिखा दूं किस तरह से स्किल वर्क होने वाली है सीएस में। तो चलो आ जाओ देखते रहे। दोस्तों हम देख रहे हैं सीएस विद रैंडम प्लेयर। अब आप देखो गाइस हम लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे, तो यहां पे क्लू है मेरे पास, मोको है, अल्वारो है, एनी
अकेली है। अब ये सारे स्किल को हम लोग अच्छा से यूज करेंगे। सबसे पहले हमें क्लू यूज करना पड़ेगा एनिमी का लोकेशन फाइंड करने के लिए। अब देखो मुझे लोकेशन मिल चुका है एनिमी का, इसलिए मैं थोड़ा छुप छुप के जा रहा हूं। लेकिन यहां पे देखो इस बंदा आ चुका है मेरे सामने कहीं से, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेयर को यहां पे नॉक करने की सोच रहे। तो गाइस इस प्लेयर को हमने थोड़ा डैमेज तो दिया है, अब यहां पे इस प्लेयर को हमने नॉक कर दिया। मेरे पास वैसे भी केली का स्पीड है, क्योंकि आप लोगों को पता है केली बहुत काम आता है आजकल सीएस में। तो इस प्लेयर को मैंने पूरा क्लियर आउट किया। अब देखो गाइस मेरा क्लू जो कैटर है उसको यहां पे ना गाइस कूल डाउन टाइम लग चुका है, इसलिए गाइस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी नॉर्मली फाइट करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे बंदा को मैंने मारा तो मोको लग चुका है। जहां भी जाएगा ना मुझे लोकेशन मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ मोको कैटर, इसलिए इस बंदा को यहां पे नॉक कर दिया। उसके बाद मैंने यहां पे मेडिकिट मारा। अब मेरे पास यहां पे नेड भी आ चुका है अपना ड्रॉप से, एयरड्रॉप से, जो अपना एयरड्रॉप आया था ना स्टार्टिंग में, तो उससे मैंने नेड वगैरह भी ले लिया और साथ भी ले चुका था। अब मुझे बंदा का लोकेशन पता नहीं कहां पे है, लेकिन मैंने क्लू यूज कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे नेड कुक करके फेंक दिया। एंड देखो अलवारों को जो 3-4 नेड निकलता है ना उससे ही वो बंदा खत्म हो गया, क्योंकि यहां पे क्लू ने मुझे लोकेशन दिया था। इसीलिए अब हम लोग आ चुके हैं अपना दूसरा मैच में। अब यही मैच में आप लोग देख लो गाइस, इस मैच में भी मैंने क्लू यूज करके बंदा का लोकेशन फाइंड किया था। मुझे पता नहीं था राइट से आ रहा है क्योंकि मैं लेफ्ट से देख रहा था, इसलिए गाइस मैं बोल रहा हूं आपको क्लू यूज करने के लिए। अब यहां पे देखो गाइस मैं ना सोच रहा हूं गाइस मुझे और लोकेशन चाहिए। अब मैं कितना बार यूज कर सकता हूं क्लू को वो भी देख लो, ये मेरा सेकंड टाइम है। ओके फर्स्ट मैच में मैंने 2 बार यूज किया था, लेकिन सेकंड मैच में यहां पे मैं 2 बार यूज किया रखा, उसके बाद फिर से 3 बार यूज कर दिया। सोचो गाइस क्लू को मैंने 3 बार यूज कर दिया एक मैच में। एंड उसके बाद क्या होता गाइस, यहां पे हम लोग जल्दी से जाएंगे अपना केली कैटर यूज करके। आप देखो केली इतना जल्दी दौड़ दिया गाइस जोन से, एंड लास्ट में इस प्लेयर को हमने नॉक कर दिया। उसके बाद एक लास्ट का प्लेयर बचा था उसको भी हमने खत्म कर दिया एंड एस कर दिया। देखो गाइस ये स्किल कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है, मैं बोलूंगा आप रैंडम में ये कॉम्बिनेशन में ट्राई जरूर करें। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, CS ग्रैंड मास्टर स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों CS में जो ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स वगैरह है वो अभी के टाइम पे क्या स्किल बना के खेल रहा है, क्योंकि पहले तो दूसरा स्किल भी लेके खेलता था लाइक A124 ही हो गया, लेकिन अब लेके खेलता है वो लोग सेंटिनो कैरेक्टर। जिसको पता चल रहा है सेंटिनो कितना बेस्ट है वो सबको यूज कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस ये सेंटिनो कैरेक्टर यहां पे आप 2 बार स्विच पोजीशन कर सकते हो आफ्टर अपडेट। यहां पे स्किल को रिवर्क किया गया है। ओके तो यहां पे हम लोग 2 बार स्किल को यूज कर सकते हैं पोजीशन स्विच करने के लिए। प्लस देखो यहां पे जो 3 पैसिव है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूं गाइस वही आप लोग ध्यान सुनना। सबसे पहला पैसिव यहां पे आप लोग को डीबी कैरेक्टर लेना है, क्योंकि आप लोग यहां पे सेंटिनो यूज करके बंदा को मार नहीं जाओगे, इसलिए मैं यहां पे डीबी कैरेक्टर दे रहा हूं फॉर एक्यूरेसी। तो मैं एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए डीबी ले लिया। प्लस देखो यहां पे भी हम लोग केली कैरेक्टर इंक्लूड कर रहे, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं देख रहा हूं बहुत सारे बंदे तात्सुया यूज कर रहे हैं, और इसीलिए मैं नहीं चाहता आप उनके हाथों से मर जाओ, तो मैंने आपको केली यहां पे दे दिया ताकि आपको थोड़ा मूवमेंट मिले। उसके साथ ही गाइस आप लोग ग्रैंड मास्टर का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो यहां पे एक और कैरेक्टर आप इंक्लूड कर सकते हो, उसका नाम है एंटिनो कैरेक्टर, ठीक है, एंटोनियो कैरेक्टर। दोस्तों मैं एंटोनियो कैरेक्टर के साथ यहां पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखो गाइस आपको 30 शील्ड पॉइंट मिलेगा एंड वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी होगा। गाइस मैं आपको दिखाऊंगा इसका गेम प्ले, ये इतना ज्यादा ओवरपावर्ड बन चुका है सेंटिनो का स्किल ये सारे, तो मैं आपको दिखा दूंगा गेम प्ले। चलो दोस्तों हम देख रहे हैं बेस्ट ग्रैंड मास्टर कॉम्बिनेशन, जिसमें मेरे पास एक नया कॉम्बिनेशन है ग्रैंड मास्टर के लिए, जिसमें है मेरे पास सेंटिनो, एनडीबी, केली और एंटोनियो। अब देखो गाइस ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, जस्ट बिकॉज आप लोग देखते रहना गाइस किस तरह से मैं गेम प्ले करता हूं, ठीक है। मेरे पास केली भी कैरेक्टर यहां पे केली में इसलिए लेके खेल रहा हूं, आप लोग को पता है स्पिंडिंग स्पीड, एंड एंटोनियो भी है क्योंकि जैसे मुझे बंदा मारेगा ना गाइस मेरा शील्ड एचपी पहले डैमेज होगा और डीबी भी है। अब मुझे बंदा का लोकेशन चाहिए गाइस फटाफट से, कोई नीचे अगर बंदा आएगा ना तो मैं यहां पे सेंटिनो यूज कर दूंगा। अब मुझे बंदा दिख चुका है तो मैं सेंटिनो यूज किया, आगे गया, इस बंदा को मारा एंड यहां पे नॉक करके वापस से अपना पीछे से कोई बंदा मारा। देखो गाइस मैं वापस से आ गया पीछे, गाइस देखो यहां पे कोई बंदा मुझे डैमेज दे रहा था गाइस, इसलिए मैंने सेंटिनो यूज कर दिया, अपने लोकेशन को टेलीपोर्ट कर दिया, लेकिन वहीं पे वो बंदा बैठा हुआ था तो इसलिए मैंने इस बंदा को भी नॉक कर दिया इजीली। एंड मेरे पास डीबी कैटर था तो इसलिए ज्यादा रिकॉइल नहीं हुआ, सभी गोली एक्यूरेसी लग रहा था आराम से। एंड देखो एक्यूरेसी होने के कारण यहां पे मैं इस प्लेयर को भी खत्म कर देता हूं। एंटोनियो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड चल रही है। अब इस क्लिप में आपको और समझाता, देखो अभी मुझे बंदा ने डैमेज दिया, अपना एंटोनियो भी हीट हुआ, बंदा को गाइस मुझे लोकेशन पता था इसलिए मैं यहां पे सेंटिनो छोड़ दिया। अब मिल का राउंड है तो मुझे पता था गाइस यहां पे बंदा छुपता है, तो मैंने इस बंदा को यहां पे मारा, नॉक किया, उसके बाद मैं यहां पे टेलीपोर्ट करके आया तो यहां पे बंदा को रिवाइव होने वाला था, ठीक है। लेकिन इसको भी हम
लोग नॉक कर दे। दो बंदा को रिवाइव होने के बाद यहाँ पे हम लोग वापस से देखो गाइस यहाँ पे खुद नॉक हो जाता है, लेकिन टीममेट का होने के कारण हम लोग बच जाते हैं एंड इसके बाद इसको भी नॉक कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डीबी काम कर रहा है, सच बताओ गाइस यहाँ पे डीबी बहुत काम कर रहा है। इतना शॉर्ट रेंज में कौन सा कैरेक्टर काम आएगा, वो भी M10 के सामने, M87 के सामने गाइस। ठीक है, अपना डीबी कैरेक्टर ही काम आता है गाइस, इसलिए मैं बोलता हूं गाइस ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेस्ट है, आप यूज कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे, CS हीलिंग स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों CS में क्या हीलिंग कैरेक्टर बनाना चाहिए गाइस, अगर आपको हील फाइट करना है, हीलिंग कॉम्बिनेशन बनाना जिससे आप हील करके बंदा को मार पाओ, तो सबसे बेस्ट कैरेक्टर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो है दिमित्री, नॉट आलोक। यहां पे याद रखना दिमित्री इज द बेस्ट कैरेक्टर अगर आप लोग हील प्लस फाइट करना चाहते हो, आपको जल्दी से हील भी मिलेगा प्लस आप बंदा को फाइट भी कर पाओगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे दिमित्री का स्किल इक्विप कर लूंगा। ओके, यहां पे दिमित्री के साथ आप लोग देखो गाइस क्या क्या लेना है। सबसे पहले देखो आप सोनिया तो इक्विप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोग सोनिया कैरेक्टर अब पता ही गाइस किस तरह से काम कर रहे हैं सोनिया, इसलिए मैं सोनिया को इंक्लूड नहीं करूंगा। यहां पे ऐसा कैरेक्टर गाइस मैं आपको देने वाला हूं जिससे गाइस बंदा लोग को गाइस यहां पे मेडिकेट मारने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाले हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर से गाइस आप लोग ना 30% रिडक्स हो जाता है गाइस मेडिकेट मारने वाला। ठीक है, आप लोग जल्दी हील नहीं हो पाओगे, उस टाइप का कैरेक्टर भी यहां पे। तो गाइस मैं आपको बोलना चाहूंगा उस कैरेक्टर का नाम है निकिता कैरेक्टर गाइस, तो मैं यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं निकिता का स्किल, बहुत ज्यादा काम आने वाला। ठीक है, 20% का यहां पे रीलोड स्पीड भी मिलता है यहां पे निकिता में, तो मैं निकिता ले लिया। उसके साथ ही देखो गाइस क्या करूंगा, निकिता के साथ हम लोग देखो यहां पे हीलिंग कैरेक्टर बना रहे हैं, तो गाइस हीलिंग के लिए गाइस सबसे बेस्ट है लियोन का स्किल। दोस्तों ये सारे स्किल बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा गेम प्ले, चिंता मत करो। पहले हम लोग स्किल बना लेते हैं, सबसे पहले लियोन ले लिया नंबर 2 पैसिव में। अब देखो ये नंबर 3 पैसिव, यही नंबर 3 पैसिव बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब, क्योंकि आप लोगों को मेडिकेट ना फास्ट मार पाओगे, 25% फास्टर मेडिकेट मारता है गाइस। इस स्किल का नाम है मैक्सिम कैरेक्टर गाइस, यहां पे हम लोग मैक्सिम कैरेक्टर भी इक्विप करने वाले हैं फॉर फास्ट मेडिकेट। यहां पे हम लोग मैक्सिम ले रहे हैं, लियोन, निकिता एंड दिमित्री। अब देखते हैं ये स्किल कॉम्बिनेशन हीलिंग में वर्क होती है कि नहीं, तो चलो आ जाओ गेमिंग स्क्रीन पे। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सीएस का हीलिंग कॉम्बिनेशन, अब देखो हील फाइट कर रहे हैं, मेरे पास दिमित्री भी है, नायरी भी है, लियोन भी है एंड मैक्सिम भी है। अब देखो गाइस मुझे डैमेज हुआ, अब डैमेज होने के साथ साथ मैंने क्या मारा, मेडिकेट मारा एंड मेडिकेट मारने के साथ साथ मेरा लियोन भी चालू हुआ। मैक्सिम बहुत जल्दी से मुझे मेडिकेट का हील करवा दिया, लेकिन यहां पे देखो मेरा टीममेट भी यही सेम स्किल कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है। अब यहां पे देखो गाइस हम लोग को दिमित्री मारना पड़ा, अब दिमित्री के साथ से देखो गाइस हम लोग जल्दी से यहां पे हील भी हो गया प्लस मेरा टीममेट भी रिवाइव हो चुका है। अब यहां पे वापस से लियोन चालू हो गया, आपने देखा गाइस लियोन चालू होने के साथ साथ हम लोग को 60 एचपी ऐसे मुफ्त में दे देता है। अब यहां पे हम लोग नायरी से ग्लूवाल में हीट करके खुद के लिए एचपी भी जनरेट कर सकते हैं, वो भी पर ग्लूवाल में आपको 40 एचपी प्राप्त होती है। सोचो गाइस कितना अच्छी बात है कि नहीं गाइस। ऊपर से हम लोग यहां पे बंदा को अगर डैमेज भी दिए तो वापस से अगर हम लोग कोई बंदा मारता है तो हम लोग डिमित्री चालू करेंगे एंड यहां पे मैक्सिम से मेडिकेट जल्दी मार लेंगे, 2-3 जितना मेडिकेट आपको मारना है। तो यहां पे यही स्किल कॉम्बिनेशन है फॉर सीएस, यहां पे आप लोगों का हीलिंग स्किल कॉम्बिनेशन था, तो मैं आपको बता दिया, आप यूज कर लेना।